आज हम लोग बात करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। सबसे पहले इसमें जो होता है कंडक्शन, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो ध्यान देना है इसमें इसका तीन टाइप है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। देखिए यहां से एक ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनता है कि विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट इफेक्टिव मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, तो ये आपका रेडिएशन हो जाएगा। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका निकल जाता है कि सबसे प्रभावी जो है विधि कौन है, मोड्स कौन है। तो विदाउट लॉस जो है कि ये आपका आता है। तो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से आ गया। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कंडक्शन। कंडक्शन द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। देखिए समझना होगा, ये ट्रांसफर ऑफ हीट का एक ऐसा मोड है, टाइप है, जो कि विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर होता है। जैसे मान लिया जाए, यहां पर अगर मान लिए ये हम कोई रॉड अगर ले, तो इसके देखिए मॉलिक्यूल्स इस तरह हो, इस तरह। तो यहां पर होता क्या कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं यहां पर, तो इसका जो है वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होता है, इसकी एनर्जी इसको, और इस तरह जो है ट्रांसफर होते होते आपको यहाँ लास्ट तक पहुंच जाता है। इसको इस तरह एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरह हम लोग किसी चीज को खड़ा कर दें, इस तरह सिमेट्रिकल जो हो ऑब्जेक्ट, इस तरह अगर ईगो को आप पुश कीजिएगा तो सब जो है गिरना प्रारंभ हो जाएगा। ये यह आपका यहाँ गिरेगा, देख रहे हैं इस तरह जो है गिरता हुआ। ये आपका एनर्जी कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये डिस्टर्बेंस आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा। इस तरह ये ट्रांसफर होता है। ये देखिए इसमें दो फेज होता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये अगर 100 डिग्री सी यहाँ दे, एक फर्नेस है जो 100 डिग्री सी प्रोवाइड करता हो, और यहाँ से एक मेटल रॉड रख दें, और यहाँ हम लोग आइस पॉइंट कर दें, यहाँ पर आइस पॉइंट कर दें अगर, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 100 है तो ये आपका 80 डिग्री सी हो गया, फिर आपका 60 डिग्री सी हो गया, फिर आपका 40 डिग्री सी हो गया, फिर आपका 20 डिग्री सी हो गया, इस तरह। तो देखिए प्रारंभ में इनिशियली जो है क्या होता है, ये वेरिएबल स्टेट होता है, वेरिएबल स्टेट होता है। लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम, ये देखिए जब अगर मान लीजिए पूरी तरह ये ऑब्जर्व कर लेगा, तो ऐसा नहीं कि 100 से एक्सीड करेगा, तो आपका एक जो आफ्टर सम टाइम ये जो हो जाएगा वो स्टेडी स्टेट पहुंच जाता है, स्टेडी स्टेट हो जाएगा। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि जो ये बातें हैं यहाँ पर, तो आप जो देख रहे हैं, तो वेरिएबल स्टेट से क्या होता है, स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर ये अगर इसको इसको टेम्परेचर के अनुसार हाइट को देंगे, तो एक आपको स्लोप मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए जो कि लिनियरली वेरी कर रहा है। यहाँ एक आप ये भी पॉइंट को नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो दो तरह से होता है, फंक्शन ऑफ टी और एक्स होता है। जो टेम्परेचर होता है फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपका हो गया टाइम और ये हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया। जैसे मान लिया जाए अगर एक पॉइंट की हम बात करें, फिर से देखिए इसको हम लोग करना चाहेंगे, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर सपोज कीजिए कि आपका 100 डिग्री सी है,
या आपका 80 डिग्री C है या आपका 60 डिग्री C है। देखिए अगर इस पॉइंट की, अगर इंडिविजुअल पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, इंडिविजुअल पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, जैसे dT/dt चेंज इन टेम्परेचर विथ टाइम, अगर हम लोग x यहाँ पर अगर हम लोग फिक्स कर दें, यहाँ पर ये डिस्टेंस को फिक्स कर दिया, ये डिस्टेंस को अगर हम लोग फिक्स कर दें, x को क्या कर रहे हैं फिक्स कर दे रहे हैं हम लोग, फिक्स कर दे अगर यहाँ पर, तो यहाँ देखना है कि टाइम के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट पर क्या हो रहा है। तो ये आपका 80 बना हुआ है, स्टेडी स्टेट में 80 बना हुआ है, तो दैट मीन्स क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि dT बाई अगर dx करेंगे और अगर टाइम को अगर हम लोग फिक्स कर दें यहाँ पर, तो क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ और यहाँ के पॉइंट्स में देख रहे हैं कि आपका वेरिएशन है वहां पर, लेकिन एक पॉइंट पर 80 का 80 ही रहेगा, 60 का 60 ही रहेगा, दैट मीन्स ये जीरो होगा। और ये अगर dT बाई dx विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस देखेंगे, टाइम को और फिक्स कर देंगे, तो डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टेंस के साथ टाइम चेंज होता है ना, डिस्टेंस के साथ जो है टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होता है, ये ध्यान देना है आपको, चेंज होता है। अब हम रूल पर आ जाएं, ये था बेसिक जो है रूल पर, अब हम लोग आ जाएं। अगर मान लिया जाए यहां पर जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा यहां पर, तो x पर हम लोग dx एलिमेंट ले रहे हैं यहां पर, तो जो dH/dt जो होता है यहां, जो dH/dt जो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, फ्लो ऑफ हीट जो हो रहा है वो प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, हर क्रॉस सेक्शनल से आपका dH/dt जो है सेम रहेगा, ये कहीं से भी आप ले सकते हैं, कोई भी क्रॉस सेक्शन यहाँ पर कहीं भी लीजिएगा तो आपका सेम रहेगा ये। तो ये देखिए ध्यान देना, ये आपका एरिया हो गया यहाँ पर, प्रोपोर्शनल टू ए होता है, प्रोपोर्शनल टू dT/dx होता है, इसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। अर्थात अगर ग्रेडियंट कभी भी आपको निकालना होता, हमने बताया था कि डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए तो उसका ग्रेडियंट निकल जाता है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है और ये आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको कहते हैं। तो अगर दोनों को मिला दें तो क्या होगा, dH/dt प्रोपोर्शनल टू a dT/dx हो जाएगा। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे dH/dt तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको k कहा जाता है, k को क्या कहा जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखिए k का यूनिट डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, k क्या होगा dH/dt/a dT/dx। देखिए आप यहां से इसको वाट ले सकते हैं, वाट, अब देखिए यहां पर ये मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर हो जाएगा पर मीटर और ये हो जाएगा पर केल्विन। अगर हम लोग डायमेंशन लिखने का प्रयास करें तो आराम से लिखा जा सकता है वाट, वाट जानते हैं कि वर्क डन बाय टाइम होता है, तो ML² T-3 और ये हो जाएगा आपका L-1 K-1। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ML हो जाएगा यहाँ पर और T-3 K-1 ये आपका हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का आपका डायमेंशन हो गया। ये यहाँ से आप वाट का आराम से निकाल सकते हैं, जूल बटा सेकंड हो गया, तो कितना होगा ML² T-2/T। यहाँ से लिख दिए हम लोग कितना, ML² T-3 हो जाएगा और पर मीटर है ये, यहाँ से आया था पर मीटर हम लोग का, तो एल इनवर्स और K-1, तो एक एल बच जाएगा T-3 K-1। तो यूनिट डायमेंशन हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करके हम दिखाते हैं, यहाँ ध्यान देना है, जैसे मान लिया जाए आपसे पूछा जाएगा, ये देखिए दो हम लोग रॉड लेते हैं जिसका थिकनेस जो है
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे इसको हम लोग एक्स मान लें और ये भी आपका एक्स है, या एल भी ले सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग टी वन मान लें, ये टी नॉट मान लें और ये टी टू मान लें। यहाँ फिलहाल मानना होगा टी वन टी टू से बड़ा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ये मान लेते हैं सेम। तो देखिए दो चीज हम लोग निकालेंगे, एक तो आपका इक्विवेलेंट जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो निकालेंगे, और दूसरा जो है कि यहाँ टेम्परेचर क्या होगा जंक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग वही निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कितना होगा, डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, देखिए के वन ए सेम है और ये टी टी, देखिए टी वन बड़ा है तो टी वन माइनस टी नॉट बाई एक्स, और ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, के टू ए टी नॉट माइनस टी टू बाई एक्स। देखिए सेम है एक्चुअली, आप देख पा रहे हैं, तो इससे जंक्शन का टेम्परेचर निकल जाएगा। ये जो जंक्शन है यहाँ पर, ये जो जंक्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके निकाल ले, एक्स खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, तो के वन टी वन माइनस के वन टी नॉट के टू टी नॉट माइनस के टू टी टू। हम लोग ये वाला निकालना है टी नॉट, तो क्या हो जाएगा के वन टी वन प्लस के टू टी टू, और के वन प्लस के टू ये हो जाएगा आपका टी नॉट। टी नॉट यहाँ से जंक्शन का टेम्परेचर है, ये यहाँ से निकल जाएगा के वन टी वन के टू टी टू बाई के वन प्लस के टू। देखिए जंक्शन का ये टेम्परेचर निकल गया। अब ध्यान देना है हम लोग इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर थोड़ा सा इफोर्ट करना होगा, ध्यान देना होगा। डी एच बाई डी टी जो होता है, डी एच बाई डी टी के ए डी टी बाई डी एक्स, देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग करेंट के जैसा हम लोग अभी ट्रीट करेंगे, तो डी एच बाई डी टी ये हो जाएगा आपका डी टी, और इसको हम लिख दें एक्स बाई के ए। तो यहाँ पर हम लोग कर लिए डी टी, और इसको इस टर्म को यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स बाई के हो गया। अब ध्यान देना है आपको यहाँ इस बात का कि थोड़ा हम लोग करेंट से रिलेट कर ले यहाँ पर, तो आई इजकल टू क्या होगा डी क्यू बाई डी टी, और ये होता है डी वी बाई आर। देखिए ध्यान देना है करेंट का फ्लो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कब होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पी डी होता है, और ये आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि हीट का फ्लो कब होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और जब करेंट का फ्लो या रेट ऑफ फ्लो चार्जेस कब होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आई या डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बाई थर्मल रेजिस्टेंस, इसको कहा जाएगा आर टी एच कहा जाएगा। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला आ गया, आर टी एच बराबर एक्स बाई के हो गया। अब ध्यान देना है आपको, इसको हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर हम लोग कर लें, देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका आर वन, तो आर वन इसके आधार पर क्या हो जाएगा, एक्स बाई के वन ए हो जाएगा, और आर टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई के टू ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देखिए सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। तो देखिए अब इसके आधार पर, अब देखिए यहाँ पर आर इक्विवेलेंट में कितना हो जाएगा थिकनेस आपका, तो टू एक्स हो जाएगा, के इक्विवेलेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, एक्स बाई के वन ए और एक्स बाई के टू ए हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, एक सब में कैंसिल, ए सब में कैंसिल, यहाँ से आपका आ जाएगा टू बाई के इक्विवेलेंट बराबर वन बाई के वन वन बाई के टू, तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, टू के वन के टू बाई के वन प्लस के टू हो जाएगा, है ना। तो ये आपका निकल गया। तो हम लोग का जो है दो चीज हम लोग ने प्राप्त किया यहाँ पर कि जंक्शन टेम्परेचर अगर निकालना होगा तो आपका निकल जाएगा K1 T1 K2 T2 by K1 plus K2, और आपका K इक्विवेलेंट जब निकालना होगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, तो K इक्विवेलेंट का कितना आ गया फार्मूला, 2 K1 K2 by K1 plus K2। तो ये देखिए आपका दो फार्मूला हो गया, ये दोनों को आप याद रखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये आता रहता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कन्वेक्शन।